सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और चलिए बनाते हैं बहुत ही टेस्टी मशरूम की सब्जी। इसको अच्छे से धो के तब काटिएगा। अब इसको जैसा भी आपको शेप पसंद हो वैसा काट लीजिए। अब ये है मसाले, सूखी लाल मिर्च, मरीच, जीरा, धनिया, लहसुन, प्याज, थोड़ा सा पोस्ता दाना और थोड़ा सा गरम मसाला। अब इसको चला लीजिए। अब ये है सरसों तेल। अब इसको निकालिए। यह है तेज पत्ता। थोड़ा सा पचफोरन। तेल है कम तो थोड़ा सा और तेल डाल लीजिए। यह है 2 से 3 प्याज बारीक कटा हुआ। अब ये है आलू। और इसी के साथ ये वही मसाला है उसको डालिए। पानी है इसमें, इतना ज्यादा मसाला नहीं है। हल्दी पाउडर, नमक, इधर अब इसको बीच बीच में चलाते हुए फ्राई कीजिए। कश्मीरी लाल मिर्च, हरी
थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे क्योंकि उसमें दालचीनी और कम ही था गरम मसाला। अब इसमें डालिए ये फ्राई किया हुआ मशरूम। और ये है एक टमाटर और धनिया पत्ती। अब इसमें डालिए पानी। और इसको ढक के पूरा पकाइए। ये मशरूम आलू की सब्जी बनके तैयार है। इसको जरूर बनाइए। मेरे चैनल पे बने रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और ये है ताजा ताजा धनिया की पत्ती।